हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल बायोलॉजी स्पेशल क्लासेस एंड दिस इज नेहल जुनगरे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दी वन ऑफ द टाइप ऑफ कैंसर विच इज फाउंड इन द मेल, ओके स्पेशली, सो दैट इज द आर्कियोक्टोमी। आर्कियोक्टोमी क्या है? आर्कियोक्टोमी इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ वन और बोथ टेस्टिकल्स ड्यूरिंग द टेस्टिकुलर कैंसर। मीन्स अगर कोई मेल में टेस्टिस का कैंसर हो जाता है तो जब सर्जरी की जाती है और वो सर्जरी के अंदर टेस्टिस जो है वो निकाला जाता है, अगर एक ही टेस्टिस को अफेक्ट किया है तो एक ही टेस्टिस निकाला जाएगा, और अगर दोनों निकालने का अगर काम अगर होता है तो फिर दोनों भी टेस्टिस को निकाला जाता है। ओके, तो ये जो मेथड है जिसके अंदर ये जो सर्जरी है, ये जो ऑपरेशन है जिसके अंदर हम टेस्टिस को रिमूव करते बाय सर्जिकल मेथड, सो इट इज कॉल्ड एज द आर्कियोक्टोमी। ओके, सो आर्कियोक्टोमी क्या होता है? आर्कियोक्टोमी का मीनिंग होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ वन और बोथ टेस्टिकल्स। ओके, मीन्स या तो एक या तो दोनों भी टेस्टिकल्स, अगर टेस्टिकुलर कैंसर हो जाता है तो उसके अंदर दोनों भी टेस्टिस या तो फिर एक टेस्टिस को निकालना सर्जिकल मेथड से, इसी को हम कहते हैं आर्कियोक्टोमी। ओके, सो आर्कियोक्टोमी क्या है? मुझे कमेंट्स में कमेंट्स आई थी कि मैडम इस पे एक वीडियो बनाओ, आर्कियोक्टोमी क्या है ये हमको बताओ, इसका वीडियो अपलोड करो। तो देखो, मैंने आपको ये आपके लिए ये वीडियो बनाया है। सो इट इज़ अ सर्जरी। आर्कियोक्टोमी क्या है? ये सर्जरी है। ओके, ये ऑपरेशन है जिसके अंदर टेस्टिस को निकाला जाएगा, और ये ऑपरेशन उसी के ऊपर होगा, ये सर्जरी उसी के ऊपर होगी जिसके अंदर टेस्टिकुलर कैंसर पाया गया है, जिसको टेस्टिस का कैंसर हुआ है, जिस मेल को टेस्टिस का कैंसर हुआ है उसी के अंदर आर्कियोक्टोमी किया जाएगा। इफ़ यू हैव बीन डायग्नोज विथ टेस्टिकुलर कैंसर, मीन्स आपका डायग्नोज हुआ है कि आपको टेस्टिकुलर कैंसर है, तो योर डॉक्टर हैज़ प्रोबेबली टॉक टू यू अबाउट द आर्कियोक्टोमी। मीन्स आपके जो डॉक्टर है वो आपको आर्कियोक्टोमी के बारे में बताएंगे, आपको मतलब उसको ट्रीटमेंट क्या है उसकी, तो आर्कियोक्टोमी आपको बताएंगे। आर्कियोक्टोमी इज ए सर्जिकल रिमूवल ऑफ वन और बोथ टेस्टिकल्स, इसमें या तो एक टेस्टिस निकाला जाएगा या तो फिर दोनों टेस्टिस निकाले जाएंगे। इट इज़ यूजुअली नीडेड टू ट्रीट अ टेस्टिकुलर कैंसर, मीन्स ये जो ट्रीटमेंट है ये कब की जाती है? जब उस मेल को टेस्टिकुलर कैंसर हुआ है तभी ये आर्कियोक्टोमी उसके ऊपर की जाएगी, और उसके बाद में अगर टेस्टिस निकाले जाते हैं तो जो है स्पर्म जो है वो स्पर्म भी नहीं फॉर्म होगे, और मीन्स वो जो है चाइल्ड बियर भी नहीं कर पाएगा, मीन्स वो जो मेल है उसकी जो फीमेल पार्टनर है उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में भी वो चाइल्ड बियर नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके टेस्टिस ही रिमूव करे हैं। सो सिम्टम्स क्या है इसके? जब आपको टेस्टिस का कैंसर होता है तब आपको सिम्टम्स क्या दिखेंगे? पेन और रेडनेस दिखेंगी अराउंड द इंसिजन, एंड देन पस और तो फिर ब्लीडिंग भी दिखाई देगा, फीवर रहेगा हरदम 100 डिग्री फारेनहाइट से ज़्यादा ऊपर या आपको टेम्परेचर रहेगा, लॉस ऑफ फीलिंग अराउंड योर स्क्रॉटम, मीन्स जो स्क्रॉटम रहता है, स्क्रॉटम मीन्स इट्स अ सैक लाइक स्ट्रक्चर इन विच द टेस्टिस आर एनक्लोज। ओके, मीन्स ये जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग है टेस्टिस को, इसको हम स्क्रॉटम कहते हैं, तो स्क्रॉटम को जो फीलिंग्स होते हैं वो स्क्रॉटम के फीलिंग्स जो है वो लॉस हो जाएंगे। ओके, तो ये सब आपने देखा आर्कियोक्टोमी के बारे में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ गया होगा, वीडियो भी पसंद आया होगा, उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।